हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा मूवी में हमें लाल चंदन के बारे में बताया गया, जहाँ पे कि अल्लू अर्जुन लाल चंदन की स्मगलिंग कर रहे होते हैं। हालांकि मूवी में कुछ चीज़ें गलत भी दिखाई गई, क्योंकि लाल चंदन का पेड़ इतना हैवी होता है कि वो पानी में तैर ही नहीं सकता, वो पानी में डूब जाता है। लेकिन मूवी में ऐसा उल्टा दिखाया गया है कि लाल चंदन पानी में तैरता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लू अर्जुन सिर्फ लाल चंदन का ही क्यों स्मगलिंग कर रहा था, व्हाइट चंदन का क्यों नहीं? और लाल चंदन व्हाइट चंदन के अंदर डिफरेंस क्या होता है? इन्हीं सभी चीज़ों का आंसर इस वीडियो में मिलेगा। बहुत ही गजब का वीडियो होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा, इसीलिए इस वीडियो को पहले से ही लाइक कर देना और हाँ, चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। वैसे देखा जाए तो दोनों का यूज़ एक ही तरह का है। दोनों तरह के चंदन को कॉस्मेटिक्स या मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन डिफरेंस आता है इसके अवेलेबिलिटी पे। लाल चंदन का अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, और लाल चंदन के पेड़ को उगने के लिए भी, एक मेच्योर पेड़ में बदलने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक तरफ है वाइट चंदन का पेड़, जिसको एक ग्रोन पेड़ में बदलने के लिए लगता है सिर्फ 3 साल, और दूसरी तरफ लाल चंदन के पेड़ को एक ग्रोन पेड़ में बदलने के लिए लगता है 30 साल। जहाँ पे वाइट चंदन पूरी दुनिया में पाया जाता है, इसके ठीक ऑपोजिट दूसरी तरफ लाल चंदन इंडिया के सिर्फ ईस्टर्न एरिया में पाया जाता है, जहाँ पे वाइट चंदन के पेड़ का साइज 4 से 10 मीटर होता है, दूसरी तरफ लाल चंदन के पेड़ का साइज महज 5 से 8 मीटर का होता है। और लाल चंदन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है जापान, इसलिए लाल चंदन की कीमत वाइट चंदन से थोड़ा ज़्यादा रहता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो या नॉलेज इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।